देख रहे हैं कि बच्चे सामने खड़ा है। अरे वीडियो बन रहा है ना, चुप रहो। क्यों चुपी से पड़ा रहता है? मजा आ रहा है? चुप रहो, वीडियो बन रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी घर पर आ गई हूँ। और ये देखिए, घर पर आने के बाद मैंने देखा ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में मिला है। तो देखिए, ये फेस्टिवल डे का है नमकीन, और ये दीपावली के अवसर पर सभी गिफ्ट दिए हैं। और ये है ड्राई फ्रूट्स है, इस डब्बे में ड्राई फ्रूट्स है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और तो फ्रेंड्स देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स मिले हैं और कुछ कुछ गिफ्ट मिले थे जिसे हम लोगों ने खा लिए। और फ्रेंड्स कुछ और गिफ्ट भी थे जिसे हमने खा लिए सभी मिलकर। और अभी मेरा किचन का सफाई हो गया और एक रूम सफाई हो गया है, बाकी और थोड़ा बच गया काम। तो दुकान पर भी जाना पड़ता है, इसलिए अभी पूरी सफाई मैं नहीं कर पाई हूँ। और कपड़े की छटाई करके रखी थी, तो कुछ कपड़े तो मैंने दे दिए हैं और कुछ बांध कर रखी हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ही बांध कर मैं रखी हूँ कपड़े, और कुछ जूते चप्पल दे दी हूँ और कुछ बांध कर रखी हूँ, वो हॉल में रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं घर पर आ गई हूँ और खाना बना कर ही गई थी। तो आज खाने में क्या क्या है आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ कि आज खाने में क्या है। और सबसे पहले तो देखिए, सुहानी अभी मेरे लिए कड़क चाय बना कर दी है। तो देखिए, आप लोग भी आइए, आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ से कड़क चाय। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चावल मैं बनाई हूँ और देखिए कितने खिले खिले से चावल बने हैं। ये खुले में बहुत खिले खिले से चावल बनते हैं। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ कलछी से। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे चावल बहुत ही खिले खिले अच्छे बनते हैं। तो आप ही यदि खुले में ऐसे बनाएंगे पतीले में, तो आपका भी चावल बहुत ही अच्छा बनेगा, इस तरह ही खिले खिला खिला सा। और देखिए और क्या बनाई हूँ, तो ये मैं कढ़ी बनाई हूँ, कढ़ी बड़ी बनाई हूँ। और ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आलू और लोबिया की सब्जी है, बरबट्टी यानी जिसे हम बरबट्टी बोलते हैं उसकी सब्जी है। और अंधेरे में आपको दिख नहीं रही होगी, तो देखिए ये आलू और बरबट्टी की सब्जी है। तो आप लोग में से किस किस को बरबट्टी की सब्जी पसंद आती है, कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो आज का हमारा डिनर बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और किचन देखिए मेरा ऑलमोस्ट साफ हो ही गया है। और कैम देखिए, मेरा किचन साफ हो गया है। और फ्रेंड्स दीपावली के लिए मैंने बहुत सारी लाइट लाई हूँ, तो वो मेरे दुकान पर ही छूट गया। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे लाइट लाई हूँ, सॉरी लटे लेकर आई हूँ लाइट की, तो बहुत सारी लेकर आई हूँ, तो आपको दिखाऊंगी। और दीपावली के लिए मैं शॉप के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, बस थोड़े बहुत पहले ही ले ली थी, वही है मेरे पास, जो कि है कागज़ के जो बने रहते हैं लड़ियाँ, बस वही सारे कुछ हैं। और लक्ष्मी गणेश जी के पाँव के जो होते हैं, और ओम, बस यही सारी चीज़ हैं। और बाकी हमारा स्टेशनरी में जो भी आइटम लगता है, जैसे कि गिफ्ट पेपर, ये सारे कुछ भी है और गिफ्ट के सामान सब, तो वो सारे कुछ मैं लेकर आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्टेशनरी का ही आइटम है। स्टेशनरी में मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ, तो
जो हमारे आसपास के लोग हैं यदि वीडियो को देख रहे हैं तो आकर देख सकते हैं कि मैं क्या क्या नया नया आइटम लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।